मनीष गुरु, आज 30 दिसंबर, स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने माई BMTC ऐप विकसित किया है और जिसे बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम द्वारा प्रशंसित किया गया था। तो ये विकसित किया है नियार ठक्कर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने हिंद महासागर और ओमान की खाड़ी में 4 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो ये अभ्यास शुरू किया है चीन, रूस और ईरान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई होम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और उसके सहयोगियों द्वारा माई होम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में शेयरों के अधिग्रहण को किसने मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस PSU को असम के गैर वन क्षेत्र में 100 स्थानों पर तेल और गैस के तटवर्ती अन्वेषण विकास और उत्पादन के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है ONGC को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी परिषद ने जनवरी 2020 में किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश सरकार के साथ बैम्बू आ बंडर ग्रास अपॉर्चुनिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन जॉब्स पर एक कार्यशाला आयोजित करने के लिए सहयोग किया है? तो ये सहयोग किया है जम्मू कश्मीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों द्वारा संलग्न संपत्तियों की ऑनलाइन नीलामी को सक्षम करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुरू किए गए ई नीलामी मंच का नाम बताइए? तो इस मंच का नाम है ई बेकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में सोशल मीडिया आउटरीच एंड कम्युनिकेशन नेशनल वर्कशॉप ऑन मैनेजमेंट एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस का आयोजन किया है? तो ये आयोजन किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी जो यूरोपीय संघ, अमेरिका और अन्य देशों की आपत्तियों पर साइबर अपराध का मुकाबला करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधिका मसौदा करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वर्तमान में कितने देश UN के सदस्य हैं? तो इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के जो हैं 193 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट फ्रैंक द्वारा ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q3 2019 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की रैंक है 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक लीलैंड ने 2 वर्षों की अवधि के लिए महान वित्त के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं यस बैंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अभिनंदन योजना शुरू की है जिसके तहत 50,000 रुपये की राशि का शिक्षा ऋण देने वाले छात्रों को एक मुफ्त सब्सिडी दी जाएगी? तो ये दी जाएगी असम राज्य सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में 1982 एशियाई खेलों के कवरेज से जुड़े शिव शर्मा का निधन हो गया, वे निम्नलिखित में से किस चैनल के पूर्व महानिदेशक थे? तो वे थे दूरदर्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार के नागरिक सहभागिता मंच माई गवर्नमेंट पर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ तक पहुँच गई है, मंच निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने 31 दिसंबर 2019 से मैगस्टिप डेबिट कार्ड को निष्क्रिय करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है भारतीय स्टेट बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बॉलीवुड अभिनेता का नाम बताइए जिसे 2019 में फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद केंद्रीय औषधि और सुगंधित वनस्पति संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिकों ने जेरिनियम के पौधे तैयार करने के लिए एक नई कम लागत वाली तकनीक विकसित की है, CSIR का मुख्यालय कहाँ है? तो CSIR का मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड ने BSNL को अग्रिम रूप से कितने करोड़ रुपए दिए ताकि टेलीकॉम फर्म की विक्रेताओं की बकाया राशि के भुगतान में मदद मिल सके? तो किए हैं 770 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल द्वारा जारी की गई रिपोर्ट ईयर इन सर्च 2019 के अनुसार जो गूगल में 2019 पर गूगल भारत के सबसे अधिक खोजे जाने वाले बिजनेस टाइकून के रूप में सामने आए हैं? तो ये सामने आए हैं रतन टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशभर में हितधारकों तक पहुंच बनाने के लिए लॉन्च किए गए जेम संवाद सप्ताह के दौरान कितने राज्यों को कवर किया गया? तो इसमें जो है 4 राज्यों को कवर किया गया, यानी इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट।